मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, लोरियल पेरिस का हेयर कलर। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। पहले मैं बात करती हूँ इस प्रोडक्ट के बारे में, देन मैं अपने बालों में इसका कलर करके और इसका रिजल्ट की सारी प्रोसेस को मैं आपको दिखाऊंगी ये वीडियो में मेरे साथ। लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरे पास जो शेड है वो है 3.16 बर्गंडी और ये है नो अमोनिया एक्सलेंस क्रीम। ट्रिपल कलर केयर है ये। इसमें ये 100% ग्रे कवरेज लॉन्ग लास्टिंग कलर है और इसमें ये 1, 2, 3 करके ये इसमें नंबर्स दिए गए हैं। ये फर्स्ट इसमें प्रोटेक्टिव कलरिंग क्रीम है, सेकंड है न्यू स्कैल्प कंफर्ट शैम्पू है इसमें, और थर्ड है फ्रेंच रोज ऑयल नर्सिंग मैस्क्यू। ओके, इसकी क्वांटिटी है 100 ग्राम प्लस 72 ml और इसका MRP है 620 रुपए और लेकिन मुझे डिस्काउंट में मिला है। मैंने जहां से भी मैंने इसको खरीदा है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप इसको चेक कर सकते हैं अगर आप लेने के लिए इंटरेस्टेड है। तो मैं दिखाती हूँ इसमें क्या क्या निकला है। एक बॉटल है, ये ट्यूब्स है, इसमें क्रीम है और इसमें शैम्पू है और ये है फ्रेंच रोज ऑयल नर्सिंग। हाँ, ये ऑयल है जो कि हमें हेयर वॉश करके लास्ट में इसमें इसको अप्लाई करना है। और इसमें निकले हैं ग्लव्स और इंस्ट्रक्शंस। नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 जिसकी मैंने शुरुआत में बात की थी वही थी ना। इसके अंदर इतना बड़ा सा पेपर निकलता है जिसमें सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिए गए हैं। आप पढ़ के इंस्ट्रक्शंस को आसानी से फॉलो करके इस कलर को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले इसको इसमें मिक्स करना है। चलिए मैं इसमें इसको मिक्स कर लेती हूँ। बहुत लाइट स्मेल है, पूरा मिक्स कर लूं। मेरे बालों की लेंथ इतनी है तो ये पूरा हो जाएगा और इसमें लिखा है इसको रिमूव करके टिप को, लेकिन इसमें तो कहीं टिप दिख ही नहीं रही है तो मैं इसको चाकू से काटती हूँ, लेके आती हूँ। इसको मैं काटती हूँ इस चाकू से क्योंकि मुझे निकालने का तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। पता नहीं ऐसे निकालते हैं क्या। उई होए, लुक कहाँ से आते हैं? इसमें लिखा हुआ है कि इसको सेक्शन में डिवाइड कर करके इसको इस तरीके से यूज करना है। एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, आप इसको अप्लाई करने से पहले इधर नेक साइड पे यहाँ पे एक पैच टेस्ट कर लीजिए ताकि अगर आपको थोड़ी भी इरिटेशन होती है, जलन होती हो तो आप इसको अप्लाई ना करें, आप इसको बिल्कुल भी अप्लाई ना करें। मैं तो कर ही लेती हूँ।
मुझे इस कलर को 30 मिनट तक अपने बालों में रखना है, देन उसके बाद वॉश करके मैं आपसे मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने अपने हेयर को वॉश कर लिया है, ये कलर निकल के आया है, आप देख सकते हैं मेरे बाल बिल्कुल स्मूथ हो गए हैं, आप देख सकते हैं एकदम सिल्की शाइनी, कितना प्यारी शाइन आ रही है। सो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।